तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैडबरी खाने के लिए। तो अभी डेली ब्लॉग डालने का प्लान चालू है, देखते फाइनल। अपन सुबह सुबह निकल चुके हैं, थोड़ा बाहर जाने गए, पुणे जाने गए, कुछ पर्सनल काम है थोड़ा, आपको नहीं बता सकता, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा आफ्टर 2 मंथ्स के बाद। कुछ नहीं, थोड़ा सा गाड़ी में जो है गोली रहते पानी में डालने वो लाया, वो डालने का ज़्यादा और डाल के देखता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत पानी अच्छे से ग्लास क्लीन नहीं हो रहा इसकी वजह से। देखते एक हाथ से बोनट खोल सकते हैं अपन, महिंद्रा और टाटा, बिल्ड क्वालिटी में सबका बाप है, वो लोग का छोड़ के उठा सकते हैंडल इट, खाली लगाने के लिए थोड़ा प्राउड बेटा। अब तब तक आसमान देखो ज़्यादा। तो हेयर है इंजन अपना, बैटरी बीच में डाउन हो चुकी थी पूरी, देखते इसका ही खर्चा है, 6,500-7,000 की मेरी बैटरी है। तो ये रहा पानी का अपना, इधर है, इसके अंदर गोली डालेंगे अपन, ये वाला ब्लू कलर का, आज ब्लू है, पानी 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 पानी, तो फुल यहाँ से गोली निकालते हैं, 2-3 डालेंगे, ज़्यादा 4 डालते तो चलो, 3 का आंकड़ा अच्छा नहीं रहता, मतलब 3 में हम लोग में अच्छा नहीं माना जाता, तो फिर हम 4 डालेंगे, 1, 2, 3, 4 इनफ। और एक छोटा सा प्रॉब्लम हो चुका है गाड़ी में, मे बी किसको कुछ आइडिया रहेगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, आई डोंट नो किस चीज़ का ऑयल लीक हो रहा है वो, बट देखते इंजन की हालत ऐसी है। नहीं, हम निकल चुके हैं, सॉरी सीट बेल्ट पहनना भूल गया, पहनूंगा अभी आगे जाके, सीट बेल्ट हमेशा पहना करो, अगर आप लोकल में भी रहोगे तभी सीट बेल्ट पहना करो। मैंने फिलहाल 2 दिन सीट बेल्ट नहीं पहना था, वो मेरी गलती है, खतरों के खिलाड़ी खेलने का था, इस वजह से गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो, 120 इनफ है, जितना गाड़ी आपसे कंट्रोल होगा उतना भगाओ जहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ ही हमेशा गया हम लोग के इधर गए, स्कूल जब छूटेगा सुबह 6:30 में भी, ओला एक बार मैं जिम जा रहा था 6:30 या 6 o'clock, तो यहाँ पे इतना जो पब्लिक और रश था ना, गाड़ी निकालने के लिए जगह नहीं था सीरियसली, यहाँ पे मेरा 10 to 15 minutes यहाँ पे गया, इतने से लाइक फील ऐसे है कि मैं मुंबई में आ चुका हूँ। मेरा सेकेंड गेट पे गाड़ी उठाते हुए, गाड़ी एक लीटर देते हुए, ये रहा हम लोग का निसर्ग सुंदर वातावरण हमसे पनवेल का। अभी फिलहाल पनवेल में इतना कुछ ट्रैफिक का टेंशन नहीं है, फिलहाल कुछ दिन तो ट्रैफिक का टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर कुछ दिन के बाद मे भी बहुत हालत खराब, आफ्टर फ्यू ईयर्स मे भी 5 ईयर्स के बाद ही बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इधर, क्योंकि सेम सेकेंड मुंबई बन जाएगी, क्योंकि अगर सेकेंड मुंबई बन गए, कसम से गए सब लोग, शिफ्ट हो जाए फिर यहाँ से कटरा, कटरा से लोनावाला, ये सब, क्योंकि इधर मुश्किल है मुझे, ऑफकोर्स मुंबई जैसे हालत, जो मुंबई की हालत जो है, ट्रैफिक बोलो या गर्मी बोलो या उधर का, यहाँ से 10 मिनट का रास्ते के लिए 1 घंटा लगता है आपको जाने के लिए, तो फिर मतलब नहीं है कुछ। वाहेगुरु, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु के फतेह। सॉरी बीच में थोड़ा वो मेरे जीभ हिल गई थी थोड़ा, उसकी वजह से। तो यहाँ पे किस लंगूर के लिए निकले आए थे हम एक गधे को, तो ये अपने भाई का फूड कैफे है, तो यहाँ पे कोई भी आप खाने के लिए कोई 50% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा इधर आ चुका हूँ, निकलेंगे हम लोग, फुल कैफे फुल भरा हुआ, ऊपर भी स्पेस है, आप बैठने के लिए आ सकते हो, मे बी सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट आने के चांसेस थे। तो फाइनली हम लोग एक्सप्रेस वे पे लग चुके गए हैं, एक्सप्रेस वे यहाँ से पुणे आने जाने का 270 rupees टोल गेट है, लेकिन वर्थ नहीं है अभी फिलहाल के कंडीशन में इस रास्ते को 270 rupees देने की, क्योंकि हेयर है वो अंकल जैसे गाड़ी चला रहे थे,
गाड़ी देखते नहीं कुछ नहीं है। देखो जो आपको दिख रही है ना होंडा सिटी ओल्ड वाली, वो बोले अंकल इंडिकेटर देते हैं डायरेक्ट अंदर घुस जाते हैं, तो उनका कहना ऐसा कि अंदर घुसते घुसते उनको अंदर ही घुसना है डायरेक्ट। हाँ यहाँ पे एक ये कैमरा था अपना स्पीडो कैमरा, इधर एक था फुल एक इंडियर वाला, यहाँ से फुल स्पीड में जा रहा है भाई, मे बी अबव 120 को आगे रहेगा, अपना तो कितना है 110 नॉर्मल स्पीड है। तो फाइनली हम लोग लोनावाला क्रॉस कर चुके हैं, ये रहा ऑलमोस्ट अभी कितना किलोमीटर, 48 किलोमीटर और दिखा रहे से तो अच्छी खासी गाड़ी खींचा है मैंने देखने गए तो। अभी तो 120 की स्पीड है नॉर्मली अपनी, एक थोड़ी हाईएस्ट अभी बताना तो नहीं चाहता लेकिन नहीं बताऊंगा आपको टॉप स्पीड। पहले हम लोग तो पहुंच चुके, तो ये भाई बार बार गाना लगा रहे, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो के ऊपर, पहले 2-3 बार आ चुका है, एक शॉर्ट वीडियो पे भी आ चुका है कॉपीराइट। तो ये देखो कैसे लाइन से चल रहे हैं लोग चारों, फुल एकदम डिसेंट भाई की नई गाड़ी है कांग्रेस थाना बस है वाओ। तो यहाँ से रास्ता थोड़ा जो पहले रास्ता सीधा था तो ये लोग ने चेंज करके लेफ्ट साइड से किया है रास्ता। तो ये आपको न्यू वाला रोड दिखाते हैं कैसे, अभी देखो मैं स्टेयरिंग देखो अभी ओल्ड वाले रास्ते पे, न्यू वाले रास्ते पे देखो अभी थोड़ा शेक होगा, ये देखो शेक हो रहा है, देखो अभी आपको हल्का सा इतना तो फील नहीं होगा बट मुझे थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है। तो नॉर्मल हो व्हाइट वाले पट्टे रहते वो है, बट जो नया पुराना रास्ता था वो अच्छा था, लेकिन नए रास्ते में कुछ भी नहीं होते, वो गाड़ी कितनी जंप होगी देखो, ये गाड़ी देखिए ये रहा। तो ये 8 लेंथ रास्ता बनने वाला है यहाँ से, क्योंकि आगे जाके रास्ता बनने वाला है यहाँ से बाई से बाईपास डायरेक्ट एक रास्ता निकल रहा है ये रहा, देखो कितना जंप है अभी देख सकते हो, नया अच्छा था या पुराना, अभी नए वाले भी देखिए एकदम स्मूथली। तो फाइनली हम लोग पूना में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, पूना नहीं बोल सकते निगड़ी है पूना के पहले है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अब पूरा जो इस साइड में आपको जो राइट साइड में पूरा जंगल दिख रहा है, और फिर आगे आपको यहाँ पे पूरा आर्मी कैंपिंग या आर्मी का ही रहता है, आर्मी पूरा आर्मी के घर वगैरह मे भी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग आर्मी वाले रहते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क पूरा जाम रहता है, नेटवर्क आपको बहुत मुश्किल से मुश्किल मिलता है, नेटवर्क मिलना बहुत मुश्किल है इधर क्योंकि नेटवर्क आता जाता है। तो भाई को बहुत घाय है इनो वाले को, तो इसको जाने देते हैं हम लोग आगे, जब आप आगे आपको बहुत घाय रहेगी, तो हम लोग को कोई घाय नहीं है, अति घाय संकट नहीं है ऐसे बोला जाता है, लेकिन हम लोग में कौन मतलब मैं धीरे जा रहा था गाड़ी, अच्छा 180-200 के नीचे 200 के नीचे आती नहीं गाड़ी तेरी, मेरा बोल बोला अभी सच बोल रहा था, वैसे नहीं कुछ स्लो जाते हम लोग गाड़ी चलाने, सबसे अच्छी बात इस लाइन की है लगती है ये रहा, जो बोर्ड में आर्मी के टैंक वगैरह जो दिखते हैं ना, सीरियसली बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ बाबा हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये रास्ता हमेशा अच्छा लगता है, वहाँ से और 6 किलोमीटर कम हो जाता है, लेकिन यहाँ से जब आता है ना तो आर्मी की गाड़ी है लगती है ना सच्ची यार। हेरा लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कैंप वापिस आर्मी का पूरा, हेरा टैंक है मे बी, हेरे इस साइड गाड़ी लेफ्ट साइड में जा रही थी, फुल मतलब बहुत मजा आता है इधर, फुल एकदम आजू पूरे राइट साइड या लेफ्ट साइड में पूरे झाड़ है पेड़ है, पूरे इस साइड डोंगर है, इस साइड एक टेकड़ी गार्डन करके एक है, उधर देवी का मंदिर भी, दुर्गा माता का मंदिर है, अच्छा खासा है सब जाएंगे वहाँ, और वहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह, कपल्स के लिए, कपल्स के लिए और टाइम बेस्ट है, सुबह सुबह फैमिली के लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज अपने इंडिया की, अपना इंडिया का फ्लैग, ये फ्लैग देख के दिल में ऐसे याद आते हैं, हाँ भाई बहुत मतलब बहुत ऐसा लगता है, हाँ प्राउड फील होता है क्या हम लोग इस कंट्री में रहते हैं और ये कंट्री अपनी है हिंदुस्तान। तो फाइनल अपना काम हो चुका है, तो ये अपना भाई साथ में था, ये अभी पुणे से कुछ तो इसका काम था, बिजनेसमैन है बहुत बड़ा अपने पनवेल का, इसका ही काम हो चुका है, यहाँ पे रुके थे क्या पिज्ज़ा हट में, भाई को पिज़्ज़ा खाने गए इसकी वजह से, जो सुबह में कैफे में गए थे अपने भाई का ये, तो अपनी गाड़ी इधर लग चुकी है इसकी वजह से वेट कर रहे हैं, अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, और मे बी 1:30 बज जाएंगे 1 से 1:30 बज जाएंगे,
पिज्जा गया, पिज्जा खाने आओ गाइस, पिज्जा खाने आओ, पिज्जा खाने आओ, पिज्जा खाने आओ। ये देखो पिज्जा, अरे क्या पिज्जा, ये दिखा रहा है, सिर्फ दिखा रहे है काम है पिज्जा। ए ए रहा ए आए गाइस, जिसके मुंह में हमेशा गाली रहती है तो आप तो डायरेक्टली इसको बोल सकते हो, जो नाला रहता है उसका मुंह देखते कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। और हाँ, आज मैंने टोल चेक किया, मेरा गाड़ी मे भी वन साइड जा रहा है, कल व्हील अलाइनमेंट का काम है, तो मे भी टोल का कॉस्टिंग बढ़ चुका है। जहाँ पे 70 रुपीज़ होता था वहाँ पे 80 रुपीज़ मे भी चार्ज करते हैं। कितना परसेंट चार्ज बढ़ चुका है मुझे पता नहीं है। आज मैंने चेक किया तो टोल का चार्जेस बढ़ चुके थे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट मेरे कट हो चुके थे। हमेशा मेरा आना जाना रहता है तो मुझे याद रहता है कि हाँ कितना पैसा कट होता है क्या होता है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा पैसा कट हो गया। मे भी 270 रुपीज़ यहाँ से आपको निगड़ी तक आने का 270 लगता है पूरा पूना, तो आज मेरा कितना कट हुआ 240 प्लस 80, मतलब 320 कट हो चुका है। 320 पहले का था 270, तो 70 रुपये बढ़ चुका है, 50 रुपीज़ बढ़ चुका है। तेरा कैलकुलेशन बहुत गंदा है भाई। होता है तुम लोग अभी झट थोड़ी बोलोगे सही का नहीं बात तो सही भाई। तो फाइनली हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे लग चुके हैं। फर्स्ट टोल जो था वो पुणे का वो पूरा क्रॉस हो चुका है, रहा मुंबई टनल पे आ चुके हम लोग। अगर दूसरा ब्लॉगर बनना चाहता हो लंगूर तुझे बनना है तो तू तेरा चैनल खोल उधर बात कर, समझा गया? चल रे ब्लॉगर वगैरह नहीं बनना अपने को समझा रहा। हाँ कुछ नहीं तू बट जानते हैं मेरा मेरे फैमिली भी देखती है इसके वजह से। फैमिली कंटेंट है तेरा। हाँ फैमिली कंटेंट ऑफ कोर्स। क्या इसको क्या बताएगा जो सेकंड पे गाली निकलने वाला आदमी, इसको क्या क्या ये पता रहेगा? देता हूँ भाई इमोशन, गाली इज इमोशन ब्रो, गाली इज इमोशन, इमोशन ओलो लो लो यस इमोशन देता है। डीजल डालेंगे रुकने वाले, क्योंकि आज आपने इतना गाड़ी भगाया है। आपको टोटल बता दें ऐसे कितना किलोमीटर रहता है, 200 किलोमीटर टोटल है। वहाँ पे घूमना फिरना 50 किलोमीटर 250 पकड़ चलिए, 250 पकड़ के चलिए, देखते हैं और कितना गाड़ी चलेगी। जब हम स्टार्टिंग में निकले तो तब 356 का कर रहे थे, बहुत अपन बहुत धीरे आ चुके थे ना, बहुत धीरे धीरे एकदम सावका सावका चल रहा था। हाँ सावका चल रहा। हाँ खूब अच्छा वीडियो काट ले देखो तो। तो फाइनली हम लोग खालापुर टोल पे पहुंच चुके हैं, रहा खालापुर टोल, देखते हैं अपना फास्ट टैग ऐसे निकल के रखता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मुझे पनवेल का या कौन सा टोल मिल लगता नहीं है। मुझे लगा यहाँ पे टोल ही नहीं है। देखो अभी देखो मजा, देखो अभी आप देखो, देखो जादू 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 ये रहा ऐसे पूरी गाड़ी। अरे सिम 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 सिम, अरे भैया जी यहाँ से आ चुके हैं, मैं भी इनका मशीन हो गया, खुल गया। अभी हम जाएंगे पनवेल, मस्ते हुए पनवेल जाएंगे, अभी वहाँ पे जाके वीडियो एंड करूँगा। इसको सुसु आया लेकिन रुकाने वाला नहीं मैं आज इधर, तेरी भैंस नहीं रुकाने वाला, मैं डायरेक्ट पनवेल जाके गाड़ी रुकेगी। अच्छा ठीक है चल 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 ठीक है, तेरा पनवेल जाके तेरा तेरा और थोड़ा एक ऐसे एक एंगल आ चुका है उसको अवॉइड करो, तेरा वक्त भी आएगा। ऐसा ऐसा जो एंगल आया था उसको थोड़ा अवॉइड करो, मेरा वक्त आएगा तभी आएगा, तेरा वक्त आएगा साले तेरी मारो मारो। वक्त तो कुत्तों का आता है रे, शेरों का नहीं। कोकला वाला कसम है, कोकला वाला उल्टे लगले क्या बोला डायलॉग पर तो क्या 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 वो पनवेल में पहुंचने बाद वीडियो वापस मिलते हैं पनवेल में। इसकी शक्ल गंदी है तो मैं व्लॉग भी गंदा करता हूं। अरे भो ये रहा है भोसरी वाला पुणे में जो भोसरी आता है वो वाला है भोसरी के बोल मजे। यहां पे एक कैमरा लगा है फोन लगाने के लिए, जो इधर वो आता है ना कैमरा स्टैंड, फोन होल्डर आता है गाड़ी के लिए, वो लेने गए। बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे ऐसे वीडियो शूट करने के लिए, देखते हैं जल्दी ले लेंगे। शादी में आयल देने वाला गिफ्ट, हिमालयन गिफ्ट करने वाला है। तो फाइनली हम लोग पनवेल पहुंच चुके कामोटे में,
ये रहा, थोड़ा जस्ट टाइम हो चुका है, 5 मिनट्स हो चुके हैं। और डीजल डालते टाइम मैं वीडियो निकालना भूल गया, क्योंकि मैं डेली व्लॉग नहीं शूट करता, इसके वजह से भूल गया। तो डीजल डाला है, देखते हैं डेली व्लॉग का, पूरी कोशिश करूँगा कि हाँ डेली कुछ ना कुछ करता रहूँगा, तो वीडियो बनाते रहूँगा, वो तो डालते रहूँगा, देखते। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, इधर ही वीडियो एंड करता हूँ मैं अभी।